सर मैं तो अब आंखें बंद करके चलता हूँ कि मुझे इश्क ना होए दोबारा। आई लाइक कियारा, मतलब अगर वो हो, अगर वो सामने से दिख रही है। अरे पता है, ठीक है यार, तभी कियारा भाभी बोल दो कोई। या कियारा भाभी, भाभी माँ समान, भाभी सुबह का दो। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कहाँ से है, क्योंकि बहुत जरूरी है डिस्कस करना, क्योंकि आज जो है वो इश्क नेक्स्ट डोर हो रहा है और हमारे साथ कास्ट बैठी हुई है। लेकिन मुझे सबसे पहले इस बारे में बात करनी है कि आप लोगों को आपस में कभी इश्क नेक्स्ट डोर, मतलब आपस में नहीं, इश्क नेक्स्ट डोर कभी हुआ है? नो, ऐसा नहीं है। आई थिंक वी ऑल हैड दोज एक्सपीरियंसेस, बट या आई हैड अ सॉर्ट ऑफ लेट्स से लवर हु वाज वेरी पर्सिस्टेंट, हां, पर कुछ हुआ नहीं उसके बाद। क्यों? क्योंकि वो वन साइडेड डिश था उसके साइड से। बट आई हैंडल्ड इट वेरी टेस्टफुली। ये तो हमें पता चल गया, बट तुम्हारे साथ कभी हुआ है इश्क नेक्स्ट डोर? सर मैं तो अब आंखें बंद करके चलता हूँ कि मुझे इश्क ना होए दोबारा। हाँ। बहुत इश्क हुआ है, नेक्स्ट डोर भी हुआ है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी हुआ है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट भी हुआ है। एक्चुअली मैं एयरफोर्स स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में। इश्क नेक्स्ट डोर मतलब मोहल्ले वाला भी होता है, बट मेरा ऐसा था कि एयरफोर्स स्कूल में था और आई वॉज वन ऑफ द सिविलियंस, माई फादर वॉज नॉट फ्रॉम एयरफोर्स। तो एयरफोर्स की एक लड़की थी जो हमारे स्कूल में पढ़ती थी, और हम क्रिकेट विकेट की प्रैक्टिस करने के लिए रुकते थे, और एयरफोर्स वाला का वहीं होता था घर, धौला कुआं दिल्ली कैंट में, और वो एयरफोर्स के बच्चे वहीं रहते थे। तो बस क्रिकेट खेलने के बाद हम की गलियों के चक्कर लगाते थे। बट यार बात ही नहीं की मैंने यार। क्या बात करो? हाँ मतलब प्लेन टेक दो एक साल तक नहीं हुआ यार। मतलब मुझे रनवे पे दो साल लगे, फिर नहीं फोर्स नहीं आ पाया, एयरफोर्स प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ और फिर लैंड ही नहीं हुआ उसके बाद जब टेक ऑफ। ये तो बड़ी सैड कहानी है, पर क्या आपकी भी कहानी इतनी? आप यूट्यूबर हैं, आप तो ऑब्वियसली आपके पास तो बहुत सारे डीएम्स में भी मोहब्बत आती होगी। बहुत आती है, बट तो आप क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल के बाय बोल? अभी तो एक्सपीरियंस ही कर रहा हूँ, ये तो इश्क अभी इश्क की जंग है समझ लो। ओ हो क्या बात है, बहुत गहरी बात है। हमारी जिस एज में ये मेरे छोटे भाई का काम करते हैं, पर क्या बोल रहा है? एक लड़की के 10-10 आशिक हैं, उन सबको लड़ाई करनी है, कौन फतेह कर रहा है उसके लिए, तो ये वाला सीन अभी तो एक लड़की है। एक लड़की से बात याद है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक ही लड़की। नताशा मुझे बात बताओ कि ये रियल लाइफ में लड़कियों को मजा आता है कि यू नो तीन तीन चार चार लड़के मेरे पीछे भाग रहे हैं, या इट इज अनोइंग? नो नो, इट्स अनोइंग समटाइम्स, बट ऐसा नहीं, आई थिंक इफ इट्स टेस्टफुली डन देन इट्स फाइन, कोई बात नहीं। आप प्यार मोहब्बत करनी चाहिए आपको, दैट्स ऑल गुड, बट डोंट स्टैंड अंडर माय बिल्डिंग लाइक अ क्रीप प्लेइंग लाउड म्यूजिक, which has happened, which is why I'm very like सुन रहा है? नहीं नहीं ठीक है, वो भी BMW लेके आया था। हाँ, तो बच के रहे। okay, तो चलिए अब हमें ये तो पता चल गया कि ये इनके घर के नीचे क्रीप की तरह खड़े हो जाते हैं। नहीं जस्ट किडिंग। अच्छा आप मुझे बात बताओ, सब लोग शो में कौन किसके पीछे है, कौन किसके पीछे से भागने की कोशिश कर रहा है, कौन का किसके साथ रोमांस चल रहा है, और किसको किससे इश्क हुआ है? तो पूरा ही बता दें क्या? हाँ, नहीं नहीं उतना ही बताओ कि लोग मतलब देखने आए, अगर पूरा ही बता दोगे तो कैसे? तो, हाँ देखिए इश्क इनका चल रहा है, देखिए और ये हमारे छोटे भाई है। हाँ, इनका हमारे मतलब आप सबके मेरे इनके, मेरे छोटे भाई, इनका इनके साथ कुछ भी नहीं है। ओके, इनका खुश हो के बोल रहा है, इनका इनके साथ कुछ भी नहीं है, इनका प्रेम मुझसे है भाई की तरह, हम इनके प्यार में है, ये इनके प्यार में, मतलब हम मतलब मैं इनके प्यार में हूँ, ये मुझे पता नहीं मेरे प्यार में है कि नहीं, ये इनके प्यार में थी, ये भी इनके प्यार में थे, पर ये दोनों एक साथ नहीं है। तो अभी हमको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, और ये भी वहां पे आ रहे हैं, और ये भी हमें मदद कर रहे हैं। मैं भी जो डायलॉग्स देखे उसमें दिल्ली एक्सेंट भी है, थोड़ा सा वो भी है, डिफिकल्ट था आपके लिए? थोड़ा था यार, मतलब शुरुआत में कि, और वही मैं बोल रहा था कि अभी तक दिल्ली वालों का जो पोर्ट्रेयल है वो बहुत ज्यादा गुस्से से, एनर्जी से बात करते हैं। हाँ, वो एक स्टीरियोटाइप है, करेक्ट, उस तरह से ये मतलब उस तरह से माचो कैरेक्टर नहीं है ये जो देव का कैरेक्टर है। तो वही बात हो रही थी कि किस तरह से इसे प्ले किया जाए कि दिल्ली के नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं जो सॉफ्टली बात कर सकते हैं, और सॉफ्टली बात करके भी दिल्ली का एक्सेंट किस तरह से लाया जा सकता है। तो वो सारी चीजें थी, बट अगर आपको ट्रेलर देख के लग रहा है कि दिल्ली में बेस्ड है तो फिर वर्क किया है। आई थिंक इट वाज आल्सो ऑल देयर इन द राइटिंग, द राइटिंग वाज सच, जब हम पहली बार भी सुन रहे थे, टेल मी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
सुनने में ही बहुत मजेदार लग रहा था, दिल्ली का, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है यार ये। लेट गिव राइटर द क्रेडिट ना, हु इज द राइटर ऑफ द शो? शेरी, शेरी एंड ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, राइटर्स को क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, हमारा डायरेक्टर, डायरेक्टर्स आल्सो को रिटन, या अखिलेश वत्स, शाउट आउट, बिग शाउट आउट टू अखिलेश, वी लव अखिलेश। मतलब ये दोनों काफी टाइम से काम कर रहे हैं, स्केचेस, छोटे शोज कर रहे थे, पर दोनों का पहला बड़ा शो है, सो वी आर हियर एंड हमारे प्रोड्यूसर, थैंक्स टू वियो, थैंक्स टू वियो, वो भी हां, इन्हें प्रोड्यूसर्स को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि देखो चेक्स आने में वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सिर्फ चेक्स ही नहीं, आज तो मतलब मैनेजर का भी काम कर रहा है। अरे बाप रे, मतलब खुद का शो है तो ये जी जान लगा, ये कास्ट थोड़ी सी कांडी नहीं, इन्होंने प्रोड्यूसर को ही मैनेजर बना दिया। ओके, नाउ लेट्स आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइन। हमेशा ये लड़ाई हमने देखी है, मुंबई वर्सेस दिल्ली। ओह मैन, राइट नाउ आई वांट टू, नाउ आई टेक दिस अ स्टेप। या ब्रो, ये तो तुमने वो सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया, मतलब तो मैं तुम क्योंकि हमारे दिल्ली के, मैं आप दोनों से पूछा, इसकी साइड मुंबई, दो लोग मुंबई वर्सेस दिल्ली, इश्क में ज्यादा बेटर, पैशनेट, मतलब ज्यादा जान डाउटर डाउट दिल्ली वाले यार, आई थिंक एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, मोर वाइब्रेंट, मोर कलरफुल, बता दो तीन वर्ड, इमोशनल, जस्ट जस्ट कैरेक्टर, इट्स 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 अ, आप भी बता सकते हैं अपने डिफेंस में क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सिंपल सिंपल और सिंपलिसिटी नहीं बोल सकते, बाकी सब चलेगा। ओके, जो जो आदमी या जो औरत लोकल ट्रेन में सवार करने की मेहनत सिंपल सिटी के आसपास ही है, वो प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, अच्छा। मतलब अगर आप मतलब कितना भी सह सकते, कांदिवली से नरीमन पॉइंट आप खाली किसी को मिलने के लिए जा रहे हो, हाँ, तो मतलब शिद्दत तो है ही सर, दिन रात गाड़ियों में गेड़ी मारना आसान है और क्या, तेल मतलब, पर वो गाड़ी में कितनों के साथ गेड़ियां लग रही है, ये भी पॉइंट है। अब ये तो हमारे कैरेक्टर में बात है, ये तो कैरेक्टर में बात उठा रहा है, ये मत कर, देखो गेड़ियां तू लगा रहा है, मेरे साथ तो लौंडे घूमते हैं, सो व्हाट, सो व्हाट यार, प्यार तो प्यार है, इसमें क्या है, बिल्कुल तुम लौंडा घुमाओ, लौंडिया घुमाओ, गधा घुमाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, फ्री वर्ल्ड, प्यार प्यार है। अच्छा, नाउ टेल मी, ये गोलगप्पे का जो मैंने रेफरेंस देखा है, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली लिटरली लाइक गोलगप्पास? लव, राइट, कंपटीशन हो सकता है, यू डोंट? नहीं, मेरे को ही पसंद है, ठीक है, हां मतलब ऐसा ही है, हमने तो मैं अभी रज चुके हैं, मैं तुमसे मोमो वाले दिल्ली वाले थोड़ा मोमो बजा, दिल्ली में जाके चाउमीन खाया, तो शूटिंग वाज इन दिल्ली मोस्टली, हां, हाउ मेनी डेज वेज, मतलब शॉट इन बॉम्बे, एक्चुअली वी हैव रिक्रिएटेड दिल्ली, वाओ, in Virar, actually hum Virar mein the aur Delhi gaye, yeah, and then we shot in Delhi for just like 2 days, but sorry batana nahi tha ye, that's okay, sorry, yes, nahi humne Delhi mein shoot kiya tha, it was absolutely fun and bahut thand thi, Bombay walon ko bahut thand lagti hai, and Akhilesh is a sweetheart, our director, wo, he got heat patches kyunki main thitur nahi thi actually, kyunki humne Bombay mein shoot kar liya tha sara series, aur last ka 10-20% jo tha main Delhi jaake, okay, hame wo jagah chahiye thi, wo winter mein humne summer kiya, so it was super cold, और हम गर्मियों के कपड़े पहन के ठंड में दिल्ली की फुल ऑन ठंड हो रही थी, तब हीट पैचेस लगा के, सर बहुत ठंड लग रही है, बट It was pretty fun. But ठंड बारिश जैसे ही आते हैं, obviously romance सब लोगों का अंदर से मेंढकों की तरह निकल निकल कर बाहर आता है. Right now, I want to know कि गोलगप्पे के reference मैंने इसलिए दिया है because I want to know आपसे कि आपका character, अगर कोई food item होता तो कौन सा होता? मैं तो कहता हूँ सब एक दूसरे का character बताते हैं. चलो ठीक है, आप बताओ. आप मतलब आप मेरा बताओ, मैं आपका बताऊँ, ऐसे ये ज़्यादा चलेगा. I think छुट्टन और समोसा. Oh, why? Yeah, why? Karara. Oh. Chutter is wow. Karara on the outside and nice aloo. that's I think that's nice, chutter. Nice. Okay. He's not Pura for me. He's Chuttan. Like I can't. It's very difficult for me to associate him with Pura. Ab Chuttan. So puri zindagi ab tum Chuttan ban ke rahoge. Kaisa? Hamare liye to. Chuttan. Chuttan. Jab tak jiyo dusra. Madam jalebi hai. Yeah, I wouldn't like Natasha to call me a Chuttan. that's heartbreaking. Okay. आप ये मैडम जलेबी लगती है मुझे, मतलब ये या कैरेक्टर, ये दोनों दोनों ये मिर्ची का पकौड़ा हो सकती है, मिर्ची मिर्ची का मिर्ची का ये मुझे ऐसा ऐसा कुछ रिजोटो टाइप लग रहा है,
डिजर्ट रिजोटो होता है रिजोटो अच्छा लाइक अ व्हाइट सॉस इटालियन रिजोटो व्हाइट सॉस पास्ता वो तो अच्छा बोरिंग एंड वेरी क्लासिस्ट सो नाउ अब हम लोगों ने इश्क नेक्स्ट डोर की बात करी है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाइपोथेटिकली अगर आपको एक कोई ऐसा पड़ोसी चाहिए जिससे आपकी मोहब्बत या इश्क शुरू हो जाए हु वुड दैट यू नो पड़ोसी बी इट कैन बी अ हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं का भी नाम चलेगा या यार ज्यादा ही हो जाएगा फिर नहीं चलेगा ना हमें कौन सा मिल रही है ये तो विशफुल थिंकिंग है या इफ आई वेक अप एंड सिडनी स्वीनी वाज लाइक राइट नेक्स्ट डोर एंड अगर वो तैयार हो रही हो कि तुम्हें खिड़की से क्यों दिखेगा मतलब बाल वाल बना रही हो तैयार ना हो रही हो जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ सम लाइक रोमांटिक ये थोड़ा इश्क नेक्स्ट डोर के साथ डेंजरस इश्क नेक्स्ट डोर है ओके व्हाट अबाउट यू मेरा इश्क का एक्सपीरियंस हो तब मैं बताऊं वैसे तो अभी किसको देखना चाहोगे किसको देख कौन वैसे हां ऐसे या वैसे जैसे भी आप चाहो सोचना पड़ेगा मतलब आई लाइक कियारा मतलब अगर वो हो अगर वो सामने से दिख रही है अरे पता है ठीक है यार तभी कियारा भाभी बोल दो कोई या कियारा भाभी भाभी माँ समान भाभी सुबह का तो क्या सही बात है बिल्कुल सही बात है क्या आगे और भी था कंटिन्यू ही किया तुमने देखिए इसको यही छोड़ना इसको वी डोंट वांट यू टू लैंड ओके व्हाट अबाउट यू नताशा वुड यू वांट योर पड़ोसी टू बी जिससे तुम इश्क करना चाहोगी It has to be Lewis Hamilton in Monaco. मुझे इश्क नेक्स्ट डोर वहाँ चाहिए so that I can you know watch him race and I can cheer for him and wave the checkered flag and he winning the world championship again. तो हाँ I think I've really put thought to this I think. ये मेरे को लगता है ये दिल्ली की मोहब्बत है ये सीधे हॉलीवुड पहुँच चुकी है. Hamilton sir. चलिए done done. मेरे बाजू में गैल गदोत और हैली बेरी शेयर करके घर ले सकते सर ये अलग ले सकती हैं दोनों मतलब दोनों रह सकते हैं करेक्ट बट दैट्स व्हाट गैल गदोत एंड हैली बेरी हैव बीन वांटिंग फॉर जस्ट इन केस यू गाइस आर लिसनिंग या टेल अस व्हेयर यू लिव बट नाउ ये जो सवाल ना मुझे एक्चुअली बड़ा ही अनोइंग लगता है बट ये जरूरी भी होता है कि जब आप शूटिंग कर रहे थे तो कोई इंसिडेंट बताइए कुछ मजेदार किस्से बताइए बताइए नताशा लिटरली हैपेंस यू नो व्होएवर यू आर शूटिंग विद यू ऑलवेज हैव मेमोरी वी हैव अ कपल ऑफ देम इन फैक्ट क्रेजी मेमोरीज या वी हैव मेमोरीज ऑफ ब्रोकन बोन्स हु गॉट द बोन्स ब्रोकन सो एक दिन हम सेट पर पहुंचे एंड things were taking some time to get ready so we were like theek hai kuch masti karte hain hair makeup ke liye we had time so we were just standing outside Mrinalan aaye and we were clicking pictures and then we kuch exciting karte kuch fun karte hain so Natasha is always jumpy and dancey so yeah I was like let's do something and I was like theek hai let's do that dirty dancing wala move where I'll run come so and he aati hai pick me up jab marti hai aur aise utha and he didn't I don't think he knew what the mid point mera interest khatam ho gaya usne jab mari unne chhod diya he left me And my leg was almost broken and उस दिन सारे चलने के shorts लगाए थे And Akhilesh came to my vanity and I was like, कर लेंगे सर आप action बोल दीजिए And he was such a sweetheart. He tied a crepe bandage. और ये मेरे पास video भी है actually. Yeah and he's pressing, he's doing healing on my foot and I'm just looking at Mrinal. I'm like, क्यों छोड़ा यार? Why? So we had crazy. Mrinal, we also want to know क्यों छोड़ा? मैं बोल तो रहा हूँ वो mid point interest खत्म हो गया. I was like Okay. He just messed up. He realized कि वो हो ये नहीं होगा. नहीं नहीं, I'm just saying कि बिचारी तुम्हारे को छोड़ेगी नहीं इस इंटरव्यू के बाद. कि ऐसा तुमने इंटरेस्ट क्यों खत्म किया? आपके साथ कुछ हुआ? हाँ, like मैं वैनिटी में था और मेरे को पता नहीं था बगल वाले वैनिटी में शहरी है और मेरा फ्रेंड आया हुआ था. मैं उसको कह रहा था यार दो डायलॉग के बाद इन्होंने देखना यार सीन किसी और को दे दिए क्या यार मतलब राइटर के लिए बहुत कुछ बोल दिया मैंने और फिर एकदम से शहरी बगल से आता है कहता है और क्या रेडी हो अगले डायलॉग के लिए. मैंने कहा हाँ कह रहा है यार सोच रहा हूँ ये वाला भी कटवा दूँ डायलॉग. मैंने कहा इसने सुन लिया है यार उसने मजे ले रहा है. कह रहा है भाई मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ दिल्ली का ही हूँ मैं भी. मैं सोचता हूँ तेरे लिए लिख दूंगा और डायलॉग अगले सीजन में लिख दूंगा बुरा मत मानना. अच्छा ठीक है ठीक है. यार वही है कि हम मुंबई में शूट कर रहे थे तो समर था तो स्वेटर पहन के मुंबई में शूट कर रहे थे तो गर्म हो रहा था. वहां पे दिल्ली में गए तो भी समर ही चल रहा है तो मतलब एक्सट्रीम विंटर उल्टा ही चल रहा था. अरे उससे याद आया एक और इंसिडेंट वो जो हम कबड्डी वाला शूट कर रहे थे और लास्ट डे था और खत्म होना था तो मेरा और इनका चल रहा है कुछ कबड्डी का मूव चल रहा है और ऐसा ऐसा और ये मुझे किक मारते हैं आई गो बैक. अब वो सारे एंगल से शूट हो चुका है. अब कैमरा है पीछे और मैं
इम्पैक्ट ऐसे लेके पीछे जाता हूँ, तो कैमरा मैन डिडंट रियलाइज दैट आई एम गोना कम बैक, और मैं मुड़ा और फटा कैमरा में मेरा सर बजा, एंड इट वाज लाइक ब्लीडिंग, और ऐसा इम्पैक्ट था कि पिन ड्रॉप साइलेंस था कुछ देर तक, मतलब और मैं भी वो वाला ब्लो होता है ना कि 2 मिनट के लिए ब्लैकआउट हो गया और समझ नहीं आया क्या है, बट इट वाजंट सो बैड, इतना बड़ा वो गोला बन गया था और भाई ऑलरेडी काफी चीजों से गुस्सा था, तो हम देख रहे थे कि अभी भाई करने क्या वाला है, हटा के नहीं फटा, हाँ कि तो पर भाई ने बहुत अच्छे से, बेस्ट होता है ना जब सब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ फटने वाला, तो हड्डियां टूटवाई हैं, खून दिया है, स्वेटर पहन के पसीना दिया है, राइटर्स ने डायलॉग काटने की धमकी दी है, मेहनत बहुत हुई है, बट इफ आई आस्क यू दैट फॉर द ऑडियंस आउट देयर, आपके शो का, आपके कैरेक्टर का, व्हाट इज दैट वन एलिमेंट दैट विल कनेक्ट विद द यूथ, विद द जेन ज़ी, तो आपके हिसाब से क्या होगा वो? आई थिंक पहली बात तो ये कि It's a very rooted, beautiful, simple love story. You know, as we've been saying that, you know, in the world of crime dramas, it's a simple, pyari love story. I would personally like to watch. So this is that. And I hope people like it. Also with Ashwin, I feel jo youth or college ke log londe Delhi ke specially. क्योंकि क्या होता है व्हेन यू ग्रोइंग अप इट्स सॉर्ट ऑफ कमिंग ऑफ एज फॉर यू कि आपको लगता है कि अभी तो जिंदगी आने वाली है, अभी तो दोस्त भी आएंगे, लड़कियां भी आएंगी, सब कुछ आएगा, एंड यू सॉर्ट ऑफ वैल्यू जो है उसको लेस करते हैं, आई थिंक हम सबके साथ होता है उम्र के साथ, एज यू ग्रो अप एंड यू सॉर्ट ऑफ मैच्योर, यू अंडरस्टैंड कि वाओ यार वो लोग वो पल बहुत ज्यादा प्रेशियस और वैल्यूएबल थे, एंड आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी आई फील दैट्स हैपेंड विद देम, कि आई वाज लाइक शिट यार ये मेरे दोस्त मुझे कितना प्यार देते थे, मैंने पूछा भी नहीं इन्हें कभी, देन आई गो बैक टू देम एंड यू नो गिव देम द लव बैक, सो इट्स दैट जर्नी फॉर मी जो इस कैरेक्टर की होती है, हैविंग टेकन हिज ओन लव फॉर ग्रांटेड, या एंड सॉर्ट ऑफ रियलाइजिंग कि यार वाओ शी वाज एक्चुअली द वन आई रियली वांट, और मैं जाके मुंह माराया बाहर, बट दैट्स नॉट व्हाट लाइफ इज, लाइफ इज अबाउट दोस जेन्युइन ब्यूटीफुल पीपल यू सॉर्ट ऑफ मीट एंड यू होल्ड ऑन टू देम, सो वैसा कुछ है लाइक छोटन का कैरेक्टर जो है 15 से 20 साल के जो लौंडे हैं वो बहुत मतलब रिलेट करेंगे कि घर में एक्चुअली में ये सब चीजें होती हैं, मतलब तमाशे, पढ़ाई का प्रेशर और हाँ बड़े भाई का प्रेशर, मतलब हर फैमिली ड्रामा प्रॉपर जो भी है तो वो बहुत रिलेट करेंगे उन चीजों से, तो यही है बस कैरेक्टर भी, बाकी तो देखेंगे शो तो मजा आएगा, मैं अभी ज्यादा कुछ रिवील करना चाहता नहीं। ओके यस आई एम एक्चुअली पर्सनली आई रियली इफ आई गॉट अ चांस आई वुड हैव लव्ड टू प्ले छोटन कैरेक्टर, या such a fun character and I mean all characters are very सबसे बढ़िया इसकी इसका लिखा है but every time just, he speaks and he's done it very well you know it's just timing yeah I mean when we were performing like when we were acting out a scene it's just fun because you know you get to work with such prolific actors yaar matlab you can just it's when you get an actor and you can react yeah and you know they help you grow as an actor and it's very subliminal like it's you don't have to make an effort because of course there are times when you have to act with probably a wall and you have to get everything from inside but it's so good to play off of all of them it's been an honor just saying thoda deep ho gaya but yeah thoda deep bhi ho gaya aur aapko hum subtitles mein subliminal aur prolific ke matlab dal denge ji ji but sorry but what about your character so mere liye Ishq Next Door is more than it's relatable but it's also nostalgic in a way kyunki jo dating language hai aaj ka bahut change ho gaya hai itne terms aa gaye hain there are different ways in which people connect but ye sari cheeze 2 saal mein hui hai like sabse pehla reel kab aaya tha reel we feel like reels have been there forever but technically 2 saal hue reels ko aaye hue and the dating language and grammar bhi 2 saal mein kafi change ho gaya hai correct this show is very simple bahut pyari colony ki kahani hai and it will It gives you hope, and I think that's where I was very attracted. Ki Meher ka character, she's very simple, she's very driven. Sabka khayal rakhti hai colony mein, har ek cheez se matlab rakhegi. Khud ka khayal rakhegi. She wants to become a fashionista. She is khud ka boutique kholegi. She'll do everything. Uske alag stresses hain, and us beech mein how there is love that's budding. Phir jab ex aa jata hai, and how she. कैसे वो उन चीजों से नेविगेट कर करके फाइनली फिर क्या होता है सो आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्लेइंग द कैरेक्टर एंड मेहर इज वेरी स्वीट एंड सिंपल एंड जस्ट रोमांटिकली एंड होपलेसली इन लव सुपर इवेंचुअली व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर आई थिंक एक तो ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली लव स्टोरी नहीं है नहीं है ओके ग्रेट ये एक
मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के घरों में से आने वाले बच्चों की एक तो ये कहानी है. दूसरी चीज़ ये कि आप लाइफ में स्पेशली आप जब उस तरह के फाइनेंशियल क्लास से आते हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते कर सकते क्योंकि आपके पास ना तो पैसे होते हैं खर्च करने के लिए ना तो आपके पास बहुत टाइम होता है क्योंकि आपको ही सब कुछ करना पड़ता है. तो ऐसी फैमिली से आए हुए ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत जेन्युइनली प्यार की भी खोज में हैं और करियर के भी खोज में हैं. और बहुत बार ऐसा मतलब जो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ जिस चीज़ से कि आप प्यार में होते हो आपको आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है बट एट द सेम टाइम आपको खुद के ऊपर बहुत डाउट भी आता है. आपको लगता है कि यार क्या ये मेरे पहुँच से बाहर है या मैं ही ठीक नहीं हूँ या मुझे ये नहीं आता. तो हमें अच्छा लगता है खुद के बारे में और डाउट भी आता है और ये सारी चीजें सारे कैरेक्टर्स के साथ हो रही है. बट आई डोंट थिंक हम लोग एक एपिसोड देखेंगे, हम लोग पूरा सीजन देखेंगे. और इतना ही कहना चाहूंगा दैट यू नो व्हेन आई सॉ द ट्रेलर वेदर इट वाज द सिंपलिसिटी और वेदर इट वाज द गोलगप्पे और वेदर इट वाज द लैंग्वेज और द एक्सेंट ऑफ दिल्ली, इट कनेक्टेड विद मी. एंड इन लोगों से बात करके ये भी समझ में आया कि कास्ट की केमिस्ट्री भी काफी बढ़िया है. तो आई वुड से दैट एक एपिसोड नहीं पूरा सीजन देख डालो. कहां देख डालो, कब देख डालो, प्लीज टेल देम. और ये सबसे अच्छी चीज ये जियो सिनेमा पे है और वो फ्री है. फ्री है, फ्री है, कंप्लीटली. 3rd July जियो सिनेमा, यस, फ्री, फ्री, फ्री. Alright, then go watch Ish Next Door. और इन लोगों को आप लोग इनके Instagram handle पर stalk कर सकते हो. याद रखना हड्डियाँ तोड़ नताशा तो मतलब तोड़ देगी हड्डियाँ. I don't know about you three guys. तुम तो तुम्हें तो चाहिए ना इश्क. बिल्कुल बिल्कुल. तो लड़कियाँ भर भर के DM करो इन्हें और अपना इश्क जैसे एपिसोड स्ट्रीम हो रहे फ्री में अपना इश्क फ्री में दो. आपको चाहिए इश्क? Sorry, Bibi. Bring it on, bring it on. All right. Thank you so much for being with us. It was a very fun chat. And I wish you all the best for Ish Next Door. Pleasure. And I hope mere bhi padosi kuch aise hi hote. Aunty kabhi kabhi coffee ke liye shakkar hi de diya. Thank you so much. Thank you so much.